subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में। त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ जेको ठाहींदा आहियूं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, वाइटामिन ए ई एन डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा थ्री मौजूदु, बनस्पति घी तमामु बहितरीन, मलका फूड असां सां गॾु आहे। मलका फूड में तमामु सुठा मसाला आहिनि, काफ़ी वसी रेंज आहे, जंहिंमें कोरमो मसालो बि आहे, कढ़ाई मसालो बि आहे, ऐं बम्बई बिरयानी बि आहे। काफ़ी सारी वैरायटी आहे हुन लाइ। टोमेटो, केचप आहे, चिली गार्लिक सॉस आहे, लूणु आहे, पिंक कलर में लूणु सॉल्ट दस्तियाब आहे। एन एक्स असां सां गॾु आहे। एन एक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हैंड ब्लेंडर, हर शइ मौजूदु आहे किचन में। एन एक्स ज़रूरु हुजणु खपे तव्हां ताकी तव्हां आसानी सां कुकिंग करे सघो था। अॼु ठाहींदासीं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा मां तव्हांखे फ्राइंग पैन में बि ॿुधायां थो कीअं ठहंदो आहे, पतीले में बि कीअं ठहंदो आहे, ओवन में बि कीअं ठहंदो आहे। टिन्हिनि जा ठाहिण जो तरीक़ो हिकिड़ो आहे। टेम्परेचर जे करे असां पतीले में ऐं फ्राइंग पैन में अलॻि अलॻि ठाहींदा आहियूं। त इहा रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदी। कुकिंग विद शेफ एस मुंहिंजो पेज हुते रेसिपी अपलोड थींदी आहे। स्क्रीन ते हले पियो नंबर, का बि फरमाइश खणी हुजे, कॉल पुछण करे कुझु पुछणो हुजे त पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति की बेहतरीन मज़ेदार खाने बनते हैं। मलका फूड हमारे साथ हैं। मलका फूड में हैं काफ़ी सारे मसाले, जिसमें बिरयानी, शामी कबाब, कोरमा मसाला और बम्बई बिरयानी मसाला, और उसके अलावा जो मसाले हम घर में यूज़ करते हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं पैकेट्स में। और टोमेटो, केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, पिंक सॉल्ट भी आ गया है इनका, और नॉर्मल सॉल्ट भी इसका मिल रहा है। एन एक्स हमारे साथ है। एन एक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर वगैरह सब अवेलेबल है, मार्केट से आप ले सकते हैं। किचन में ज़रूर होनी चाहिए ये चीज़ें। आज की जो रेसिपी बन रही है, फरमाइश थी कि पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं पतीले में और फ्राइंग पैन में, तो वो बना रहे हैं। और इसकी डो किस तरह बनती है सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा। कल 12 बजे चलेगा रिपीट। स्क्रीन पर चल रहा नंबर आप मैसेज कॉल कर सकते हैं, मैसेज मेरे पेज पर कर सकते हैं। कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज है। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे स्टार्ट। पिज़्ज़ा का साइज़ डिफरेंट होता है, तो मैं छोटे साइज़ के ही बनाऊँगा ताकि ईजीली आप लोग बना सकें। और साइज़ का कोई वो नहीं होता, वो ग्राम के हिसाब से आपको होना चाहिए पता कि कितने ग्राम से कितना बनता है, कितना बड़ा पिज़्ज़ा बनता है। ठीक है, पिज़्ज़ा के लिए हम लोग चिकन यूज़ करेंगे, बीफ में भी बनता है, आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल में भी बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आप चिकन ऐड ना करें। पिज़्ज़ा डिफरेंट तरीके से ठहंदा है, डिफरेंट फ्लेवर जो ठहंदा है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ठाही सिखाएँ पे ताकि हर शइ जिन घर में अवेलेबल हुई है आराम से ठाही सकूँ था। इतने असं खणंदासीं 2 पिज़्ज़ा ठाहींदासीं। इन लाइ हिते आहे 150 ग्राम जितनी चिकन आहे। ठीक है, 150 ग्राम जितनी चिकन है, और इसके छोटे क्यूब्स जैसे हांडी के लिए हम लोग करवाते हैं, छोटे छोटे बोनलेस है, सीने का पीस हो या लेग पीस हो, इस तरह के क्यूब्स कटवा लें। ठीक है, नंढा नंढा पीस आहिनि चिकन जा, क्यूब्स का ट्राई छॾिजो, 1.5 पाउ जे करीब ही सीने जो पीस हो बोनलेस। हिनखे कंदासीं मैरिनेट, मैरिनेट करे हिन जे अंदरि मसाला विझंदासीं, ऐं हिनखे स्टर फ्राई कंदासीं। स्टर फ्राई जो मतिलबु आहे की तए ते या फ्राइंग पैन में तव्हां हिनखे फ्राई कंदो, वधीक ज़्यादा ॻाराइण जी ज़रूरत न हूंदी आहे, छाकाणि त पिज़्ज़ा में वेंदी त हुते बि ओवन में या पतीले में स्टीम लॻंदी त बिल्कुलु तयारु थी वेंदी। ठीकु आहे, हिन जी मैरिनेशन में छा छा वेंदो, सभिनी खां पहिरीं हिन में विझंदासीं चिली सॉस। चिली सॉस छा आहे, हे नॉर्मल मिलंदो आहे चाइनीज़ में, असां यूज़ कंदा आहियूं प्लेन चिली सॉस आहे, हॉट सॉस बि हिनखे चइबो आहे, इहो विझंदासीं। ठीक है, चिली सॉस हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, जिसे हॉट सॉस भी कहते हैं। सोया सॉस हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम, क्योंकि 1.5 पाउ जितनी है। अध चाय जे चमचे का घट लूण हलिया विया, अध चाय जो चमचो हिनमें वेंदा कारा मिर्च पीठल, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, अध चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, हेड विझंदासीं इनमें 1/4 टीस्पून, चौथा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर इसमें डालेंगे कितना, धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, और ये ओरिगानो है, ओरिगानो है, ईजिली मिल जाता है, इटालियन हर्ब है, अगर ये नहीं है तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ओरिगानो इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, चीनी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल कितना, 1 से 1.5 टेबल स्पून, 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि इसको स्टर फ्राई करना है। 1.5 खाने जो चमचे में ऑयल विधो, इनके कंधा से मिक्स मिक्स करें, इनके फ्राइंग पैन में या तए में या कढ़ाई में तव्हां विझी छॾिजो, ही बिल्कुलु तयारु थी वेंदी 10 मिंटनि में तव्हांजी चिकन।
ठीक है। रेसिपी वरी रिपीट कराया पे चिकन जिका असा पिज़्ज़ा जे ला ठाई में डेढ़ पा चिकन खई उनमें सोया सॉस विझंदी एक खाने जो चमचो चिली सॉस जो प्लेन वो हों एक खाने जो चमचो उनसा गड इनमें विझंदी लूण अध चाय जे चमचे का घट छाकण तो डेढ़ पा आहे पीठल गाढ़ा मिर्च पीठल कारा मिर्च अध चाय जो चमचो हेड अध चाय जे चमचे का घट पीठल दाणा एक चाय जो चमचो ऑरिगानो मिलंदो आ वो विच जो अगर ना है तो उन बगैर भी ठहिंदो वो अध चाय जो चमचे घट विधो अध चाय जो चमचो खंड विधी है इनके मिक्स करे आई हते छा कंदासी खणदासी एकड़ो फ्राइंग पैन। ठीक है एक फ्राइंग पैन लेते हैं छोटा और इस पे हमने इसको करना है स्टर फ्राई। ठीक है छोटा फ्राइंग पैन लेंगे ऑयल इसमें ऑलरेडी डला हुआ है डेढ़ खाने का चम्मच काफ़ी है और इसको डाल के इसको फ्राई करेंगे 5 मिनट। कॉल बटूँ था अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी के रे किथा गलायो पया पेटर मामा दिया हां हां छा हाल इंदा जा हेलो ता आवाज न तो अचे मुजी आवाज अचे पई हेलो कल भी यही प्रॉब्लम आ रहा था मेरी आवाज नहीं जा रही थी पहले वो चेक करें फिर कॉल से ना मुझे। अच्छा हिते ऐसा इनके कवर कर छड़ियो है ठीक है। हेलो मेरी कल भी आवाज नहीं जा रही थी कोई प्रॉब्लम है यहां से तो हे जो है मैं इनके कवर कर छोड़ो मीडियम फ्लेम से। ठीक है मीडियम फ्लेम से कवर करने का ताकि चिकन असि गरी वी हाँ इनको ठाईदी सॉस सॉस इनको किए ठो है। ठीक है जो सॉस इसका बनता है जो हम पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं उसके लिए हमें चाहिए 2 अदर टमाटर बहुत इजी है सब चीज़ें। चिकन आपके सामने मैंने बता दी कि कैसे बन रही है। अब हम लेंगे यहाँ पे जूसर ब्लेंडर। ठीक है जूसर मशीन में हमने डालना है टमाटर चॉप करके। ठीक है एक टमाटर जाएगा और केचप टोमेटो केचप मैं यूज़ करूँगा मलका फूड का। ठीक है 2 अदर टमाटर थोड़े कटे हुए पड़े थे वो भी डाल देते हैं 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर बहुत ज़्यादा ना होना चाहिए हाफ कप जितना या थोड़ा उससे ज़्यादा हो क्योंकि टोमेटो केचप भी जाएगा। टमाटर डालेंगे हम इसमें 2 दरमियानी साइज़ के और इसको हम कर देंगे ब्लेंड। ठीक है जूसर मशीन में इनके बीजिए NXG ISR मशीन थोड़ो पानी में टच कंदा सी हल्को सो थोड़ा ड्राई है टमाटर तो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा और इसको हमने चला देना है ये खुद ही पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को हमने निकाल के रख देना है साइड में और अब हमने क्या करना है जो चिकन हमारी फ्राई हो रही है इसको भी चेक करते हैं। ठीक है ये 7 खां 8 मिंट में तैयार थी वी बोनलेस चिकन है तो 7 खां 8 मिंट में तैयार थी कवर देने जो मकसद ये हो तो अंदर ताई टेंडर थी वने गरी वने। ठीक है कवर करने का मकसद ये था कि अंदर तक ये जूसी हो जाए गल जाए। अब यहाँ पर हम लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल कितना 2 खाने के चम्मच। ये हम सॉस बना रहे हैं पिज़्ज़ा का 2 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल इसको करेंगे गरम। ठीक है चिकन भी फ्राई थे पे हेता खड़ना से टोमेटो केचप हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है मलका फूड का यहाँ पे लहसुन डालनी है चॉप करके फाइन चॉप किया हुआ लहसुन है 1 खाने का चम्मच एक खाने जो चमचो थूम आए कुट्टे विझो या बारीक कटिंग करे विझो। ठीक है इनके हाँ मन जो कवर हटाया पे ताकि चिकन असि गरी वही है इनके चुल्लो इन बंद कंदी थदी थी थोड़ा चुल्लो तेज़ कंदी ताकि इनको पानी खुश करें पुजो चुल्लो बंद करके थदो कंदी तो ही पिज़्ज़ा के मथा टॉपिंग में वी। ठीक है इसको कर रहे हैं फ्राई इसका चूल्हा बंद कर देंगे थोड़ी देर में। अब जब लहसुन में खुशबू आने लगेगी एक छोटा प्याज लेंगे हाफ कप से भी कम बिल्कुल बारीक ऑमलेट की तरह कटिंग की जो हम ऑमलेट में डालते हैं। ठीक है एक नंढो बसर खणंदा सी बारीक कटिंग थियल जेको ऑमलेट असा ठाईंदा आहियूं बेदे जो उनमें असा जडे बसर यूज़ कंदा आहियूं बिल्कुल बारीक कटिंग करे विझंदा आहियूं। ठीक है हे चिकन असांजी थे पे फ्राई। जी कॉल वठूं था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दा छा हाल है नदी
خیر دعا تان جی بہت آ کی آیو دعاؤں تان جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ادا ہی تا یہ کل کھایو نا چکن ٹکا جی ادی تو ان جو سجو پروسیس سمجھ میں آیو باقی یہ نہ آیا تا تا جڑے یہ میرینیٹ کرے مرغی ودی ان میں کڑائی میں جی جی ان میں اول میں گھی ودو نا گھی آخر میں ودو پہ ودی بھی دہی سا گھر دہی کے پانی میں پنجوی کا ٹی منٹ میں گری وی کے کڈی الگ کجو فرائنگ پین میں ب کھانے کا چمچہ آئل وجی تکن کے الگ فرائی کند کلر اچھی وے کوئلے کی دونی ڈنی ہوئی اور مسالو ہٹ بچی ویو ان میں اد کپ کا متے پانی وجو منو کپ ٹھیک ہے اور ان میں ب کا ٹے کھانے کا چمچہ آئل وجی ان کے فرائی کجو وہ پیسٹ وغیرہ مسالو فرائی تھی ویسے ٹھیک ہے جی جی ان جو مسالو پچائے وٹ جو تھوڑا پانی اد کپ منو کپ پانی ب کا ٹے کھانے کا چمچہ آئل وجی ان کے پچائے جو مکھن بھی وجو ان میں ایک چائے جو چمچو اوکے تھینک یو اللہ حافظ پیاز لائٹ سا گولڈن کلر ہوگا زیادہ پیاز کو ہم نے پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے ودھ پیاز کے پچائنو نہ ہے گاڑھو نہ ہے کرو ہلکو سن جو کلر اچھی ہو تو یہ جو کو پیسٹ ٹھاؤ ٹماٹر جو ہے انجن وچنداسی ٹماٹر کا پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا ایک دو چنکس رہ گئے تو میں نکال دیتا ہوں تاکہ پیسٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹماٹر کا پیسٹ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جو موٹے پیسز رہ جائیں ٹماٹر کے وہ ہٹا دیجیے گا اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹومیٹو کیچپ ٹومیٹو کیچپ ہم ڈال رہے ہیں ملکا فوڈ کا ہاف کپ ٹومیٹو کیچپ جائے گا ملکا فوڈ کا ٹھیک ہے ادھے کپ ٹومیٹو کیچپ ہلے وہ ملکا فوڈ جو ہے ماں تائیں ساموں کھائیں یہ کیچپ وٹھو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کیچپ ڈال کے ہاف کپ جتنا یا تھوڑا سا زیادہ ٹماٹر کا پیسٹ تھا پیوری بنا دی تھی اور اس کے بعد آپ نے ٹومیٹو کیچپ ڈالا اب اس میں کیا ڈالیں گے چلی سوس ہاٹ سوس جو ہوتا ہے چلی سوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایک کھانے جو چمچو سویا سوس ایک کھانے جو چمچو لون وجنداسی تھوڑا چانکر دا ٹومیٹو کیچپ جو سالٹی ہوں تھوڑا سا لون ودو کال وٹھو السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تھا بتاؤ چال ہے اللہ شکر ہے تاں کی کا دعاؤں سب سب اللہ جو شکر تبھی ٹھیک ہے تاں جی 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 ہاں ہاں تاں بدایو موسم کیا ہوتے اچھا ہلو سچی گل ہے ہانے تے سیارو اچن وارو ہانے سیارو اچن وارو ہے نا ہلو سی گال ہے یاد کندا ہو سی گال ہے مہربانی ہاں ڈسندا ہو ڈیلی بالکل ہلو سی گال ہے پنجو کھوڑ سارو خیال رکھجو جزاک اللہ طبیعت ٹھیک ہے تاں جی بالکل ہلو ٹھیک ہے پنجو کھوڑ سارو خیال رکھجو ٹھیک ہے اوکے مہربانی آمین جزاک اللہ آمین اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا ان میں میں پیٹھل گاڑھا مرچ ودھا ادھ چائے جو چمچو کٹیل گاڑھا مرچ ودھا ادھ چائے جو چمچو کٹیل کارا مرچ ودھا ادھ چائے جو چمچو کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈال دینا ہے اس میں پسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کیونکہ بہت زیادہ سالٹی نہ ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے چینی ایک چائے کا چمچ چینی ڈال دی ایک چائے جو چمچو کھنڈ ودھی اوریگانو ڈالیں گے کوارٹر ٹی اسپون آئل مجھے تھوڑا لگ رہا ہے تو میں اس میں ایک کھانے کا چمچ آئل بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے شائننگ کے لیے ٹھیک ہے ایک کھانے کا چمچ ایک منٹ رک جائیں ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں آئل اور ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کو شائننگ آنی چاہیے میں نے دو ڈالے تھے اب تین کھانے کے چمچ آئل کر دیے یہ ہمارا ہو گیا ہے پیسٹ جو ہم ڈالیں گے پیزا کے اوپر جو سوس بنتا ہے وہ میں نے بنا دیا ہے بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد آ کے پیزا کی تیاری کریں گے بٹوتے کی شارٹ بریک کر دینے بریک اپ اچھی کنٹینیو کیا تھا دل چاہے اور کیا شارجہ شارجہ بناسپتی گھی شارجہ کوکنگ آئل بہترین
आहे ऐं में असां ठाहींदा आहियूं तमामु सुठा खाधा। एनएक्स असां सां गॾु आहे, मलका फूड आहे असां सां गॾु, ऐं हिते हाणे पिज़्ज़ा जी तयारी कंदासीं। चिकन ताईं साम्हूं तयारु थी वई ऐं हुनजो सॉस मां तयारु करे छॾियो, ठीकु आहे। चिकन मैंने तयारु कर दी थी, ओरिगानो कौन सा है, ओरिगानो को साथ रखते हैं, बाकी सब चीज़ें हटा देते हैं, फिर हम इसकी टॉपिंग बनाते हैं पिज़्ज़ा की कैसे बनती है, फिर इसको हमने राइजिंग पे डालना है। अच्छा, पिज़्ज़ा ठाहिण खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां कि पतीलो में कीअं ठाहिबो आहे, ठीकु आहे। पतीले में किस तरह बनता है पिज़्ज़ा में आपको ये बता दूं कि एक पतीला लें बड़ा, ठीक है। इस तरह के स्टैंड मिल जाते हैं, अगर इस तरह का नहीं तो थोड़ा छोटे हाइट में भी मिल जाता है स्टैंड, ठीक है। अगर इस तरह का नहीं है तो छोटे हाइट में भी स्टैंड मिल जाता है। और आपने चूल्हा ऑन करना है, आपने चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, एक 1 kg आपने लेना है सॉल्ट, ठीक है। 1 kg तव्हां लूणु खणंदो, को बि लूणु हुजे, ज़रूरी न आहे कि ब्रांड वारो हुजे। जस्ट असांखे हुनमें हीट ॾियणी आहे त सॉल्ट तव्हांजे अंदरि सॼो विझी छॾंदो, ठीकु आहे। सॉल्ट आपने पूरा डाल देना है और इसको आपने हीट देनी है सॉल्ट को, हाथ न जले उसमें, टच नहीं करना है आपने, ठीक है। सॉल्ट में आपने टच नहीं करना है, गर्म होगा 10 से 15 मिनट, जिस तरह हम ओवन को प्री हीट करते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट प्री हीट करते हैं, उसी तरह आपने सॉल्ट को भी गर्म करना है, ठीक है जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। यदि केरे किथां ॻाल्हायो पिया? हैदराबाद मां। छा हाल आहिनि तव्हांजा? जी यदि कुझु चवणु चाहींदो? हैलो, अदी तव्हांजी आवाज़ ॾाढी कटिजी अचे पई, छा पिया चओ? कोफ्ता? हा हा, नरगिसी कोफ्ता, जी 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 जी, मूंखे यादि आहिनि, मथे हफ़्ते में ठाहींदासीं, ठीकु आहे दी जी। अदी ईअं कयो, तव्हां कंट्रोल रूम में ॻाल्हायो, होल्ड ते रहिजो, मूंखे ॿुधाए छॾंदा, मूंखे तव्हांजी आवाज़ कटिजी पई अचे, ठीकु आहे, ओके, होल्ड में रहिजो। अच्छा, यहाँ ते हमने नमक डाल दिया, नमक डाल के आपने स्टैंड रख देना है अंदर। स्टैंड की हाइट इतनी नीचे होनी चाहिए कि अगर आप इसमें पिज़्ज़ा रखते हैं तो वो ऊपर से टच ना हो, ठीक है। ऊपर जो हम इसको कवर करेंगे इस तरह ही ऊपर कवर आ जाएगा, ठीक है। ये दिखा जो, ये दिखाएगा, हमने नमक डाला एक पैकेट पूरा इसके अंदर 1 kg का, उसके बाद मैंने इसमें स्टैंड रखा, स्टैंड रख के आपने कवर रखना है, ठीक है। लूण विधो, लूण विझण खां पोइ इनजे अंदरि तव्हां स्टैंड रखंदो, कवर कयो, इनखे हीट ही बिल्कुलु एॾो गरम करिणो आहे फुल हीट ते, जीअं ई ओवन वांगुरु पूरो प्री हीट थी वेंदो, ठीकु आहे। ओवन की तरह प्री हीट हो जाएगा और दूसरा हम बनाएंगे फ्राइंग पैन में। अच्छा, यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ऑन नहीं किया हुआ है, माइक्रोवेव ऑन नहीं किया हुआ है, या किचन कैबिनेट यूज़ करें या माइक्रोवेव बगैर ऑन किए हुए, गर्म नहीं है। इसमें मैंने पिज़्ज़ा की डो बना के रखी हुई है, पिज़्ज़ा की डो इसमें बना के रखी हुई है, ठीक है। ये देखें, राइजिंग होके फूल गई, इसका भी तरीका बताता हूँ। ये अब डबल हो चुकी है डो, इसको हम निकालेंगे, निकाल के इसको फिर हमने क्या करना है, अच्छी तरह यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद ये देखें, इसको आपने इस तरह टच करना है, इसके अंदर से एयर निकल जाएगी। इसके लिए हमने लेना है 1.5 पाव मैदा, ये 2 पिज़्ज़ा का बता रहा हूँ, अगर 1 पिज़्ज़ा बना रहे 2 कप आपने लेना है, ठीक है। 1.5 पाव आपने मैदा ले लेना है, 1.5 पाव मैदो खणणो आहे, हुनमें साशे मिले तो खमीर जो साशे मिलंदो आहे, चङनि 30 खां 40 रुपए या 50 रुपए जो मिलंदो, साशे पूरो विझणो आहे, 2 खाइण जा चमचनि जेतिरो साशे हूंदो आहे। थोरो सो लूणु विझंदो हिन में, थोरा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको पानी से हल्के हाथ से गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, गूंद के फिर आपने एक बॉल में रखना है, लेकिन उसको नीचे से पहले ग्रीस करेंगे बॉल को ऑयल से, ताकि चिपके ना। ये कवर करके आप या किचन के कैबिनेट में रखें या ओवन में रखें, ऐसे रखें कि इसके अंदर से एयर क्रॉस ना हो, ताकि ये राइजिंग होगी फूल जाएगा, ठीक है। रुखसाना जैदी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और माशाल्लाह आप 2-3 कितनी तरीके से बनाना सिखा रहे हैं, हालांकि बस अमूमन तो लोग माइक्रोवेव में या फिर उससे ज्यादातर गैस ओवन में या इलेक्ट्रिक ओवन में सिखा देते हैं। जी जी, आप चूल्हे पे भी बनाना सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक पैन भी आता है जो के पिज्जा पैन कहलाता है। जी जी, मिलता है। तो उसके अंदर मतलब ये हम पे कैसे बनेगा, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर हीटिंग कैसे आएगी जब थोड़ा सा हीट ऊपर भी करना होता है, तो क्योंकि जो वो होता है चीज होता है वो तो ऊपर से मेल्ट होता है। जी, असल में क्या है, जब हम ओवन में बनाते हैं तो उसके ऊपर ग्रिल होती है, वो ऑलरेडी उस पर कलर आना शुरू हो जाता है। पतीले में बनाएंगे या फ्राइंग पैन में बनाएंगे, जब आप उसको बना लें तो फ्राइंग पैन के नीचे ऐसा एक स्पैचुला या ऐसा कुछ वो स्पाइडर टाइप का जो स्टील का होता है ना, जिससे हम छन्नी यूज करते हैं चावल वगैरह के लिए, गोल वाला स्पून, वो आप उसके साथ टच करके, जैसे हम नान बनाते हैं उल्टा कर देते हैं तवे को, तो फ्राइंग पैन को हल्का हल्का बार बार उल्टा करें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि चीज़ गिरे ना, वो फिक्स हो चुकी होगी उसके ऊपर, फिर हल्का हल्का उसको सेक लें तो वो कलर आ जाता है उसके ऊपर।
ठीक है। और अगर पतीले में भी है तो उसको भी इसी तरह आप निकाल के हल्का हल्का कलर देने के लिए उल्टा कर सकते हैं, तो उससे कलर आएगा। अदरवाइज पतीले में और फ्राइंग पैन में वो कलर नहीं आएगा जो ओवन में आता है, लेकिन परफेक्ट बनता है पिज्जा। असल में ये होता है ना कि अपने पास तो है ओवन, लेकिन ये कि बस ऐसी जगह जाते हैं किसी आग की तरफ गए हुए और उनको शौक हो रहा है कि बनाओ, तो फिर ये हो जाते हैं मसाइले। इसीलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए जी, इसीलिए थैंक यू, इसीलिए बना रहा था, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको दो हिस्सों में करते हैं, ठीक है। डो को अच्छी तरह चिपके ना, देखें चिपक नहीं रही हाथ में, इतना अच्छा इसको सेट करें कि हाथ में, पहले आपने देखा होगा चिपक रहा था, अब ये चिपक नहीं रहा, ठीक है। इसमें ऑयल नहीं डाला हुआ हमने, बिल्कुल ऑयल नहीं डाला हुआ, ये अच्छा सा सेट हो गया। एक ये पीस हो गया, दूसरा पीस ये उठाते हैं, इसको भी हाथ से सेट करें, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं है ताकि इसके अंदर बिल्कुल फ्लैट नहीं करना है, ठीक है। ये राइस होगा, इसको दोबारा छोड़ दें, थोड़ा राइस होगा, अब इसको हमने सेट करना है। एक तो हम बनाते हैं फ्राइंग पैन पे, ठीक है। फ्राइंग पैन हम लेते हैं इस तरह, कवर उसका बिल्कुल साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। फ्राइंग पैन खड़ा दो जो कवर बिल्कुल साइज़ जो हो, या तओ अड़ो हो जिनजे तए जो कवर बिल्कुल उनके मथा अची वे, ठीक है। इस तरह आपने बनाना है फ्राइंग पैन में कि बिल्कुल साइज़ का इसका कवर हो। नॉन स्टिक है तो वेल एंड गुड है, इसमें बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद आपने इसको उठाना है, इसको आप हाथ से सेट करेंगे, ठीक है। हम हाथ से सेट करते हैं रोटी को, हाथ से सेट करके उठाएंगे और इसको रख देंगे पैन में, सेंटर में रखें ये, इसको हाथ से आप सेट करें, जितना हाथ से अच्छा सेट करेंगे पिज़्ज़ा आपका अच्छा बनेगा। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी ओबाड़ो से बात कर रही हूँ। हमारा ओबाड़ो से, जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? जी मामा, हमें फरमाइश करनी है। क्या फरमाइश करनी है आपने? हमें जो है ना वो शीर खोरमा बनाना सिखाई है और शोरमा कबाब। और क्या? शोरमा कबाब और शीर खोरमा। शोरमा कबाब यानी कबाब का सालन जो बनता है? जी जी मामा, ठीक है। और जो ना खोरमा बनाना सिखाई है। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा, ठीक है। मामा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये देखें इसके अंदर से हीट आ रही है, धुआं निकलना शुरू हो गया। नमक अच्छा सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये देखें नमक, अभी ये इतनी हीट निकलना शुरू हो गई, ओवन की तरह गर्म हो गया है, हीट आ रही है, ठीक है। और ये तो मैं फ्राइंग पैन में कर रहा हूँ, स्टील की प्लेट हो या सिल्वर की प्लेट हो, वो इस साइज़ की लेंगे, इसके अंदर छोटी सी आ जाए, स्टील की प्लेट हो जाए, सिल्वर की प्लेट हो जाए, हंदे मथा भी पिज़्ज़ा ठाई के अंदर रखी सको था, ठीक है। ये इसको सेट करेंगे, हल्का सा मैंने हाथ गीला किया था जस्ट इसको टच करने के लिए, ऑयल नहीं लगाएंगे, ठीक है। हल्का सा मैं हाथ गीला करके इसको सेट कर रहा हूँ, और इसके किनारे फिर आपने किस तरह करने, इक्वल साइज़ से हो गया। अब इसके किनारों को इस तरह सेट करेंगे, फिंगर टिप से आपने इसके किनारे बनाने, ताकि इसकी जो डो बनेगी राइजिंग आएगी तो वो जो हम सॉस बनाया हुआ वो बाहर नहीं निकलेगा। मुझे सॉस ला के दे दें, वहाँ से सॉस ला के दें। सॉस मैंने फ़ैन के नीचे करवा दिया था ताकि जल्दी सेट हो जाए, ठीक है। सॉस मैंने रखवा दिया था, सॉस जो को पिज़्ज़ा सॉस ठाए, अच्छा पिज़्ज़ा के इसके हल्का हल्का सा इस तरह करें जैसे नान में हम टिप्स देते हैं, ताकि इससे क्या होता है सॉस चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम लेंगे एक स्पून हाँ इनके मथा सा पिज़्ज़ा सॉस जो को ठाए यो लगाइंदी, ठीक है, इस तरह फैला दें जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? दिल्ली से बात कर रहा हूँ मोहम्मद साकिब जी। साई कुछ कहना चाहेंगे? अरे बिरयानी क्या पता, हम बोल रहा था बिरयानी परसों मैंने बनाई थी शायद, बिरयानी आपने देखी नहीं थी, वाइट जी। अच्छा आपको कौन सी बिरयानी चाहिए? अब मुझे बम्बई बिरयानी बनानी, नेक्स्ट वीक तो आप देखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये हो गया पिज़्ज़ा सॉस, इसके ऊपर लगा दिया जो हमने बना के रखा था। अच्छा ये सॉस चार अदद पिज़्ज़ा पे जाएगा, मैंने इतना बनाया कि फ्रिज में रखें ये आपका एक महीने तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन फ्रिज में पड़ा रहे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग करेंगे। चिकन जो हमने बना के रखी थी ये इस तरह पीसेस करके इसके ऊपर सेट करें, ठीक है। चिकन की टॉपिंग थदी हुजण खपे, ठंडी करके ये फ्राइंग पैन में और तवे पर इस तरह बनता है, ठीक है। एक एक पीस इसके ऊपर उठा के मैं रख रहा हूँ सेट करके जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़, पहले वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। हेलो, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। आप लोग टीवी का वॉल्यूम नहीं बंद करते तो फिर आप लोग की लाइन ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। इस तरह क्यूब्स हमने प्याज के लगा दिए,
देखें, इससे पहले मैंने क्या किया, शिमला मिर्च के क्यूब्स लगाए, शिमला मिर्च जा क्यूब्स कटियो, ब स्टाइल जी कटिंग कही है, एकड़े बे पिज़्ज़ा में बे स्टाइल जी करना से, इस तरह हमने ऑनियन लगा देना, ऑनियन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। टमाटर के क्यूब्स, टमाटर के बीज निकाल के टमाटर के क्यूब्स लगाए हुए, टमाटे जा बिज कटी हम जा साइड स्लाइस अचो, और हम असा ये टॉपिंग ठाई है, इस तरह थोड़ी बचा के रख रहा हूँ, ऊपर से फिर टॉपिंग करेंगे। चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, आप चेडर चीज़ यूज़ करें, मोज़रेला चीज़ होती है स्टिकी करने के लिए, जो खिंचती है चीज़, अब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो वो चीज़ खिंच रही होती है पिज़्ज़ा का स्लाइस, तो वो होता है मोज़रेला चीज़, और जो चेडर चीज़ होती है वो फ्लेवर के लिए होती है, पूरी ऊपर से हम देते हैं, ठीक है, वो होती है चेडर चीज़। ये मेरे पास मिक्स है, ये पिज़्ज़ा चीज़ आजकल आ रही है, ये मोज़रेला और चेडर को मिल के बनाते हैं कंपनियाँ बना रही, तो आप ले लें पिज़्ज़ा चीज़, ठीक है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप चिकन फ्राई कर रही हैं, मुझे बता सकते हैं? जी मेरी बहन क्या कह रही हैं आप, चिकन फ्राई कैसे कर रहे हैं? ये वाली जो चिकन इसके ऊपर फ्राई करके लगाई है, वो वाली? जी जी ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि चिकन लेनी है 1.5 पाव, ठीक है, उसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालें, और उसके बाद पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च आधा आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के, और सोया सॉस डालें 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस और सिरका 1/1 चाय का चम्मच, मिक्स करके फिर इसको फ्राइंग पैन पे कवर कर दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फ्राई करके निकाल लें। थैंक यू ओके। ये देखें, ये होता है कद्दूकश करने वाला, ये आपके पास होगा घर में, इस तरह आप ले लें, स्टील के भी होते हैं घर में, तो इस तरह कद्दूकश करेंगे, इसके ऊपर कश करते जाएं। मिक्स चीज़ है मेरे पास, ठीक है, ये मिक्स है पिज़्ज़ा चीज़, अगर आपको ये नहीं मिल रही तो सिर्फ चेडर चीज़ यूज़ करें, अगर मोज़रेला लगाएंगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगी, 2 लेनी पड़ेंगी, तकरीबन 800 की जगह पड़ेगी 750 की, दोनों एक लें 300-350 का एक ब्लॉक मिल जाता है इस तरह का, तो काफ़ी होता है 2 पिज़्ज़ा, और जब ये जितनी आपको चाहिए उसके बाद लपेट के इसको फ्रीज़र में रखें, ठीक है, फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़र में रखें, हार्ड होगी, जितनी सेट रहेगी, अगर नीचे फ्रिज में लाइट भी चली जाती है तो फिर ख़राब हो जाती है, उसमें ख़राब नहीं होती। ये देखें मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर टॉपिंग कर दी है, ठीक है, हाफ ब्लॉक जितनी टॉपिंग कर दी, इसको हल्का सा सेट करें, जो नीचे पिज़्ज़ा की चीज़ गिर रही है ये उठा लें, वो फ्राइंग पैन में जलना शुरू हो जाती है, ठीक है, उठा के साइड से ऊपर सेट करें। अब अगेन इसके ऊपर हमने जो थोड़ी वेजिटेबल्स बची हुई थी ऊपर से सेट करते हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है, बाकी जो वेजिटेबल बची हुई हुई क्यूब्स में, ये मुझे मथा का लगाई छंदासी, बसर लगाई छोड़ो, ये ढी ज़बरदस्त आए रेसिपी बारन जिला घर जिला पांजे ला तुम ठाओ, इजी वे में तुम घर में पिज़्ज़ा ठाई सको था, सुठे के सुठे क्वालिटी वो सिर्फ इनके राइजिंग जो तरीको सुठो होजन खपे। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, टाइम दो जी 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 तां टीवी जो वॉल्यूम बंद कर ना मत सा नो गल लाइन ड्रॉप थी वी तीन मेहरबानी तां समझो न था गाल तां मेहनत भी कंदा कॉल भी कंदा पंजा पैसा भी जाया कंदा आई तां जो को फायदो ना हते या कॉल कण जो जेस ताई तां पंजी वॉल्यूम ते कंट्रोल ना कंदो टीवी जे। देखिए ये हो गया तैयार, ठीक है, इसके हम देंगे ऊपर कवर, ये कवर दिया, अब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि एक प्रोसेस आपको बताऊँ। पतीले में मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पतीले का प्रोसेस लंबा होता है, 45 से 40 मिनट में होता है, तरीकेकार मैंने आपको बता दिया, हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे, और पतीले पे बनाने के लिए जी ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ठीक है, पतीले पे बनाने के लिए एक मिनट, पतीले पे बनाने के लिए हमने क्या करना है, सिल्वर या स्टील की प्लेट लेनी है, उसके अंदर इसी तरह पिज़्ज़ा लगा के अंदर रख देना, जब पतीला गर्म होगा फिर उसको चेक करते रहेंगे, वो प्रोसेस ब्रेक के बाद बताऊँगा। वट्टू तक शॉर्ट ब्रेक कर देना, ब्रेक का पहुँची क्रोबियो पिज़्ज़ा ठीक है। दिल चाहे और किया शारजा, शारजा बनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए ई एन डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल, मज़ेदार रेसिपीज जो ठाईंदा और अगर मलका फूड है असावट एनएक्स असा गड है हाँ इतने सेकंड पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पेन हों घर में वही रखो इन टाइप जो मिली वादा पिज़्ज़ा पेन है, पिज़्ज़ा पेन में उसी तरह रोटी की तरह बना के मैंने इसमें डाल के सेट किया, किनारे थोड़े थोड़े इसके दबा के सेट कर दें, ठीक है, और इसके बाद हमने इस तरह हल्के हल्के
जैसे नान पे टिप्स देते हैं इस तरह इसके ऊपर टिप्स देने ताकि सॉस जो है अच्छा से इसके ऊपर सेट हो जाए। और सॉस गर्म नहीं डालना है, सॉस आपने ठंडा डालना है, ठीक है। ये हम डालेंगे ओवन में, हे विजेंदा सी ओवन में। ओवन को हमने प्री हीट किया हुआ है 15 से 20 मिनट, डबल हमने ग्रिल ऑन की हुई है, ठीक है। 15 से 20 मिनट उसको प्री हीट करेंगे 180 डिग्री पे, 180 डिग्री ते ओवन के इलेक्ट्रिक ओवन है, मोटफोटाइल जो है तही फास्ट टेक्नोलॉजी ते ठहल है। इन करें इन में 20-25 मिनट में पिज़्ज़ा तैयार थी वो। कुकिंग रेंज जो हेठ हों गैस वो होने के भी तुम 20 मिनट पैं ऑन कौ डबल ग्रिल ऑन कजो था विच में सेंटर में पिज़्ज़ा रखबो है जैसे ठही वो तो उनके असर मथे करी कलर दिंदा तो वो भी 180 या 200 से तुम गर्म कौ 20-25 मिनट पैं, ठीक है। जो कुकिंग रेंज होते चूल्हे के नीचे गैस वाला होता है उसको आपने 20-25 मिनट पहले आपने प्री हीट करना है, गर्म करना जी, और डबल ग्रिल ऑन कर दीजिएगा ताकि ऊपर भी हमने कलर देना होता है। पहले सेंटर में रखते हैं, जब बन जाता है फिर ऊपर कलर देने के लिए चीज़ को, तो इस तरह होता है। और इसको हमने 15 मिनट पहले 180 डिग्री पे, ये इलेक्ट्रॉनिक है और फर्टाइल का है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ फास्ट टेक्नोलॉजी पे। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला, तुम बताओ छा हाल है? बिल्कुल पूछो दी। तो जब तक पूरी खाई मैं अचार मसाले में पूरी ये चार मसाले में पूरी पूरी वल पूरी तूरी तूरी हां 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 तूरी ठाई जी जी हां वो मिट्टी वया और थोड़ी बुधाई दो तो ये मैं कचाई के या ये थोड़ा बुधायो। ठीक ठीक है मैं थोड़ी देर में बताया तो ठीक है दी ताके। ओके ओके। अच्छा इसको हमने सॉस लगा देना है, ठीक है। सॉस लगाने के बाद सॉस पूरा अच्छी तरह लगाएं और जो सॉस बच जाए वो आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। फ्रिज में रख दें, एक महीने तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसमें गीला चम्मच नहीं चलाना है, छोटी सी जार में भी भर के रख सकते हैं। फिर आप बच्चों के लिए जैसे बनाते हैं, ये देखें इसको मैं दिखाता हूँ। ही रिसो है पिज़्ज़ा सा जो राइजिंग थी और ये फूल गया है, राइजिंग हो गई है और इसका स्टीम आती है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा कवर हटा दें, इसको अगेन यूँ कर दें। साइड्स में आप देखेंगे ये खुद ब खुद इस पर कलर आना शुरू हो गया, ब्राउन होना शुरू हो गई ये चीज़ और वो, ठीक है। ऊपर से भी चीज़ ब्राउन होना शुरू हो गई, अगर नहीं हो तो फिर बहुत एहतियात से इसको पलटाना होता है, अदरवाइज़ पलटाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन कॉल आई थी रुखसाना से, उन्होंने कहा था कलर नहीं आता, तो कलर के लिए क्या होता है कि इस तरह का स्टील का होता है, जैसे मेरे पास नॉन स्टिक है, इस तरह का स्टील का होता है चम्मच, वो आपने इस तरह टच करके रखना है और फ्राइंग पैन को उल्टा करना होगा, लेकिन बहुत ख्याल से कि पिज़्ज़ा गिरे नहीं। अगर पिज़्ज़ा गिर गया आपका तो वो सारी चीज़ें इसकी टॉपिंग गिर जाएगी, तो इसलिए आप कलर दे सकती हैं लेकिन बहुत एहतियात से, हल्का सा चूल्हे पे उल्टा करेंगे तो वो हीट से उसका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पे हमने लगानी है चिकन, चिकन लगाइंदासीं, ठीक है। हे असा जो विंदो ओवन में एक थी फ्राइंग पैन में, पतीले जो तरीको मैं बताई छोड़ो, पतीले में थोड़ा टाइम लगन दो, इन करे मैं पतीले जो ताकि तरीको बताया हुआ लेकिन मैं लगाया ना पे जी। कराची से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला जी भाई, कौन कौन बात कर रहे हैं? मैं साकिब अहमद बात कर रहा हूँ कराची से ना जी। कुछ कहना चाहेंगे जी? आपकी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। मेहरबानी जी। और आपकी डबल मेहनत होती है, उर्दू में भी बताते हैं, सिंधी में भी बताते हैं। जी जी बिल्कुल सिंगापुरियन राइस। अब वैसे भी मैंने सोचा हुआ था सर्दियां भी आ रही हैं तो इंशाल्लाह इसी नवंबर के एंड में रेसिपीज बनाऊंगा, तो उसके साथ ही बीच में भी बना दूंगा, एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा ताकि आप लोग देख सकें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज जस्ट डाला है, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं। इसका तरीक़ेकार देखें कि किस तरह मैंने इसमें रखी है, जूलियन कटिंग की हुई, खूबसूरती आप इसमें दें ताकि इसका लुक अच्छा है, दिखार जो खूबसूरती आनी चाहिए। इस तरह आप फ्लावर स्टाइल में इसको सेट करें, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी सेंटर में भी रखते हैं और फिर बाद में ऊपर से हम चीज़ डाल के दोबारा टॉपिंग करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ का हाफ ब्लॉक है, ये पूरा जो एक ब्लॉक होता है इसमें दो पिज़्ज़ा आपके बनते हैं, ठीक है। अगर छोटे छोटे पिज़्ज़ा बनाएंगे, पैन पिज़्ज़ा होते हैं छोटे साइज़ के, तो वो चार बनेंगे, लेकिन ये बड़े पिज़्ज़ा हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के जो हम लेते हैं मार्केट से, ये मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा हैं। अगर बड़ा प्लेटर है तो लार्ज भी बना सकते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा ज़्यादा बनाने, तीन चार बनाने, तो ओवन बड़ा हो तो उसमें दो एक साथ रख सकते हैं, और जो कुकिंग रेंज होते हैं घर में जिसके ऊपर गैस का चूल्हा होता है तो उसमें आप तीन से चार भी रख सकते हैं डबल ग्रिल करके ना। अच्छी तरह पूरी चीज़ इसके ऊपर डालते जाएंगे किनारों पे इस तरह। कद्दू का इससे क्या होता है कि चीज़ ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई, रखी हुई चीज़ जब डालेंगे तो फ्रोज़न होनी चाहिए,
सॉफ्ट नहीं हो, हाथ से काट के ना डालें, कद्दूकश करके डालें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। हाथ से जो हम डालते हैं तो फिर वो मेल्ट होती तो है लेकिन पीसेस लग रहे होते हैं, ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगी मेल्ट होके। ठीक है, हिन तरीके से कद्दूकश कंदो सजी चीज़ असां जे मथां विझंदासीं, पीसेस करे ना विझिजो छाकाणि त पीसेस हे थोरी सॉफ्ट थी वई आहे त ॾुखियाई थिए पई। जेतिरी तव्हांजी फ्रोज़न हूंदी, जेतिरी फ्रेश थियल हूंदी चीज़, एतिरी सुठी हुनजे मथां लॻंदी। ठीकु आहे, सारी इस तरह करके फोल्ड कर करके मैं इसको कश करता जा रहा हूँ, डालता जा रहा हूँ। रेसिपी बहुत ईजी है। अच्छा, वेजिटेरियन फैमिलीज़ जैसे बनाना चाहें जस्ट वेजिटेबल पिज़्ज़ा तो उसमें मशरूम भी ऐड करें, ऑलिव भी ऐड होते हैं लेकिन ऑलिव्स मैंने नहीं किए हैं, ब्लैक ऑलिव्स ऐड होते हैं आप वो भी डाल सकती हैं। वेजिटेरियन जो हैं वो मशरूम भी डाल सकते हैं, इसके साथ और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। सिर्फ आप क्या है कि चीज़ जो है वो सॉरी चिकन ना डालें बाकी वेजिटेबल में। आप अभी थोड़ी सी बच गई तो मैं हाथ से क्रश कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, टेम्परेचर पर आ गई है। ये हमारा हो गया है पिज़्ज़ा। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो बाकी चिकन बची थी वो टॉपिंग पे रखेंगे। दो लेयर इसलिए रख रहा हूँ ताकि अच्छी लेयर बने, पिज़्ज़ा अच्छा बने, जिससे हम आउटलेट्स पे खाते हैं, अच्छे ब्रांड्स पे जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी दीदी, पिज़्ज़ा जो मैदे में सिर्फ एक अगर पिज़्ज़ा ठाया पे 2 कप मैदो खणजो। ठीक है, उनमें खमीर जो साशे मिलंदो आए मार्केट में हर जगह मिले तो पिज़्ज़ा जे ला खमीर जो साशे मिलंदो 40-50 रुपए जो, वो पूरो साशे विझी छजो इन जे अंदर, आई थोड़ो 1 चाय जे चमचे का घट इन में ऑयल विझजो, आई थोड़ो सो लून विझी पंजे हसबे जरूरत जे अट्टे में विझंदा हूं, पो इनके मिक्स कंदो आई हल्के हथ से इनके गोणो आ पानी सा, पो इनके कवर करे सफ़ा हवा ना लगे प्याले में विझी मथा ढक दई इनके अड़ी जगह ते रखो जिते हवा जो गुजर ना थिए, या तो किचन कैबिनेट में रखो या अड़े बंद जगह ते रखो जिते हवा ना, अध कलाक में डबल थी वेंदो। पॉइंट के कढ़ी हथ से सेट कजो, पॉइंट जी मानी वेले वापस ये लगाए जो तो सेट थी वेंदो। कड़ी सिटी का गलायो पया दी? हलो ठीक है, सखर में तो इजीली मिली वेंदी हर शे वडो सिटी है। ठीक है जी, हर शे मिली वेंदी। ठीक है दी, पंजो ख्याल रखजो, मेहरबानी। आमीन, जज़ाकल्लाह, आमीन, थैंक यू। ठीक है, इस तरह आपने पिज़्ज़ा के दोबारा से उसी तरह मैं टॉपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिंग वापस उन्हीं तरीके से क्या पियो ताकि खूबसूरती अच्छी बने। बसर जा स्लाइस अगर चाहो तो क्यूब्स में भी करे सको था लेकिन मैं इन तरीके से क्या पियो तो ये असो थी, बाकी जो बची पाए वो विच में लगाई छोड़ो। ठीक है, योग्य। अच्छा, ओरिगानो मैं तक बुधा, ओरिगानो एक हर्ब हों, मसालो ही हों, इटैलियन है लेकिन हाँ पाकिस्तान में भी ठहे पे। ठीक है, ओरिगानो है, ये मैंने उसमें भी डाला था ओरिगानो, हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा। ऑलिव्स हैं तो ऑलिव्स लगा लें। ठीक है, ओरिगानो भी तो इनके मत मैं थोड़ा कुटियल गाढ़ा मिर्च भेजा पे, थोड़ा स्पाइसी हल्को हल्को इंदो, ज़्यादा स्पाइसी बारन जे ला ठायो पे पो ना विझो कुटियल गाढ़ा मिर्च, पान विझंदो तो ढो सुठो लगंदो। थोड़ा सा कुटियल गाढ़ा मिर्च इनके मथा स्प्रिंकल कयन। ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च लाइट सी इसके ऊपर, हाफ टी स्पून से भी कम मैंने इसके टॉपिंग पे डाली है, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा जब ये जाएगी हीट पे। अब इसको हम डालते हैं। अच्छा, टाइम कम है तो मैं इसको भी बनाने के बाद आप सेट करके रखा करें, बनाने के बाद इस तरह आप छोड़ दें 10 मिनट तक इसको छोड़ें ताकि ये यहाँ पे भी सेट होगा, राइजिंग होगी। ठीक है, 10 मिनट पयो जे सेटिंग करने का पो, 10 मिनट का पो खणी तां इनके रखंदो ओवन में, ओवन आहे ते प्री हीट थियल आहे, लेकिन इनके सेंटर में रखंदो। देखिए मैंने सेंटर में रख दिया। ठीक है, सेंटर में रख के हम इसको कवर कर देंगे, सेंटर में रख के कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे 25 मिनट। मेरा ओवन, वही मैं कह रहा हूँ कि फास्ट टेक्नोलॉजी है, फुटाइल का बहुत बेस्ट ओवन है, जल्दी ये हीट प्रूफ है और जल्दी हीट करता है और हर चीज़ इसमें कुकिंग भी जल्दी हो जाती है इनके चूल्हों पे, क्योंकि इनके चूल्हे भी जदीद टेक्नोलॉजी से बने हुए। तो जिस तरह हम दम पे बिरयानी रखते हैं, आपने देखा होगा मैं 40 मिनट में हम दम पे बिरयानी रखते हैं, 35 मिनट, यहाँ पे मैं 15 मिनट में बिरयानी हमारी तैयार हो जाती है। प्रोग्राम की टाइमिंग आपको पता होती है तो उसको उस हिसाब से ये फास्ट चूल्हे हैं, आप ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट देख सकते हैं, इनके आउटलेट सखर में भी हर जगह हैं, पंजाब में भी हर जगह हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। फुटाइल को यूज़ करें, बहुत अच्छे चूल्हे हैं, किचन डक वगैरह हर चीज़ इसकी मिल जाती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ओवन प्रीहीट किया हुआ है, दोबारा पूरी रेसिपी इसकी मैंने समझा दी है, पतीले का दोबारा समझा देता हूँ एक दफ़ा, पतीले जो वरी समझाएं तो पतीले में मना फट आए छो कि 40 मिनट लगाना है पतीले में, ओवन ही फ्राइंग पैन में जल्दी थींदो आहे। ठीक आहे, हे ॾिसो हिनखे खणूं था, अंदर विधल आहे लूणु एक पूरो पैकेट, अंदर डाला है पूरा एक पैकेट नमक। ठीक है, एक पैकेट नमक फैला के डाल दें, इसको आपने करना है गरम, नमक जब गरम होगा इस तरह का स्टैंड हो या छोटा जो दूध
का पतीला उतार के रखते हैं, घर में स्टैंड होते हैं वो रख दें, स्टैंड रखन दो, ठीक है। स्टैंड इनमें रखी इनके कवर कंदो, गरम कवर करे एतरो गरम कंदो कि तहजो ओवन वंगर है गरम थी वाले पतीलो, ठीक है। पतीला लें, उसमें नमक का एक पूरा पैकेट बिछाएं एक किलो का, उसको गरम करें। स्टैंड घर में होते हैं पतीले रखने वाले, वो आपने इसके ऊपर रख देना, इसको गरम करना है, हीट सी आने लगेगी। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा की जो प्लेट होगी वो इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर सेंटर में आ जाए, आराम से उठा भी सकें रख भी सकें, ठीक है। पिज़्ज़ा जी प्लेट इतनी हो जाए, अगर पिज़्ज़ा प्लेट ना है स्टील जी सिल्वर जी प्लेट वो भी यूज़ कर सको था, ठीक है। पिज़्ज़ा प्लेट नहीं तो स्टील की प्लेट होती वो ले लें, सिल्वर की प्लेट होती गोल वाली से प्लेन वो ले लें, वो रख के फिर इसको कवर करें और इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। हीट ज़्यादा होनी चाहिए इतनी कि आपका जो नमक है वो ब्राउन सा हो जाए, ठीक है। वो फिर पकता रहेगा, उसमें हीट होगी और हम केक भी बना सकते हैं इसी तरह से। ये बिल्कुल ईजी वे में जिनके पास ओवन नहीं है केक बनाएं इस पर, आप इसमें पिज़्ज़ा बनाएं, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बाकर खानी है नान खताई सब बना सकते हैं, इंशाल्लाह बनाऊंगा। ये बिल्कुल होममेड ओवन आपके लिए होता है, पहले ओवन नहीं होते थे तो लोग इस तरह भी बनाते, और बहुत सी खवातीन आज भी पतीलों में बनाती हैं, बहुत अच्छी उनकी बेकिंग होती है, ठीक है। पतीले में आराम सा बेक थी दिया, पिज़्ज़ा ठाई सकूँ था, केक ठाई सकूँ था, कप केक ठाई सकूँ था, इनके अलावा बाकर खानी ठाई सको, काफ़ी सारी शयूँ हैं। तो हिन में जिन तरीके से मैं बुधाया यो आसान तरीको है, प्लेट के मत हर शे रखी इनके, बस तक ऐसा है 5 मिनट लगन कलाक लगे हूँ तक चेक करो है कि तैयार तैयार थी कॉल वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साईं कह रहे हैं कितना गलाओ पया जी, कुछ चैन चाहिए सिंधी पुलाव, ठीक है। नोट करे तो वा जैसे ठाईदी तो पटाई वी, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा कल की रेसिपी देखिएगा, कल भी मज़ेदार रेसिपी है, वो भी फरमाइश है इंशाल्लाह। नवंबर अब हमारा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, खैर से। और नवंबर 15 नवंबर के बाद फिर हम क्या करेंगे कि बहुत सारी वैरायटी हैं जिनमें सूप्स हैं, बहुत सारे फ़िश के पूरी फेस्ट वीक है, पूरी फ़िश की वैरायटी है वो बनाएंगे, साग हैं और उसके अलावा इस तरह के नान हैं, रोटियां हैं बहुत सारी, और हलवे बहुत सारे डिफरेंट है, अखरोट का हलवा है, ड्राई फ्रूट्स के हलवे हैं, बहुत सारी वैरायटी, गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा, ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह 15 नवंबर के बाद शुरू करेंगे। कॉल वट होता, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जो शुक्र है, तहाँ की आयो जी। अच्छा जी, तां सिटी में मेहरबानी, तमाम खड़ी को फरमाइश करनी है। मेहरबानी पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है ओवन आप घर में बना सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह 15 ॾींहनि खां पोइ काफ़ी सारी वैरायटी आहे वो शुरू कंदासीं, ऐं मलका फूड असां सां गॾु आहिनि जी काफ़ी सारी वैरायटी तव्हां वठी सघो था, जा मसाला जीअं असां ॻाढ़ा मिर्च, हैड, धाणा, गरम मसालो पाउडर आहे, हुनजे अलावा बम्बई बिरयानी आहे, हैदराबादी अचार, गोश, अलाए छा छा काफ़ी सारी हिते वैरायटी नज़र अचे पई, तड़का दाल भी आहे हिन में, त हिन टाइप जी काफ़ी सारी वैरायटी तव्हां वठी मार्केट में वठी सघो था। टोमेटो केचप आहे, चिली गार्लिक सॉस आहे, पिंक सॉल्ट आहे, सॉल्ट आहे, ऐं एनएक्स हूंदो आहे मूंसां गॾु हमेशह तव्हांजे साम्हूं, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हर शइ यूज़ कंदो आहे, एनएक्स बेस्ट आहे, तव्हां हुन में वठी सघो था। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अदी कह रहे हैं किथां ॻाल्हायो पिया? जी अदी, कुझु चवणु चाहींदो? टीवी जो वॉल्यूम शायदि तव्हांजो वधियल आहे, महिरबानी करे बंदि करे छॾियो। हेलो जी, तां जो प्रोग्राम तमाम बेस्ट आ, मेहरबानी मेहरबानी आदी, को फरमाइश करनी है, कुछ पूछनो आ? जी फरमाइश करनी है, पर दाल बचन बुदाए जो दाल जो कड़ी को आदी, टीवी जो वॉल्यूम तो बंद करे छडो, लाइन ना ड्रॉप थी वने ताजी जी, जी दाल पचाए दाल बुदाए। हेलो ठीक आ, मैं पचाने सिखाते हम, ठीक आ दी, ठीक आ, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। ओके अच्छा, इनके मैं चेक कयो, चेक करने का मकसद क्या था ये मैं आपको दिखाऊं, गौर से देखें, ये देखें इसके कलर आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा, चीज़ मेल्ट हो गई है, वे स्टीम आ रही है, और चेक करने का मकसद ये कि नीचे से भी आप चेक कर सकते हैं, इसका क्रस्ट जो है वो लाइट गोल्डन कलर आ गया, ठीक है, इसका क्रस्ट जो है लाइट गोल्डन कलर आ गया, ये चेक करें।
और इसको मैंने देखा ये लूज़ हो गया अपनी जगह, इसने छोड़ दी है, दोबारा बाद में दिखा देंगे थोड़ी देर में मामा, ठीक है, जब निकालूंगा। इसको अगेन मैंने कवर कर दिया। इस तरह चेक करें, आपको डो का अंदाज़ा हो कि इसकी जो ब्रेड है वो कच्ची ना रह जाए। ब्रेक तो मैंने अगली शॉर्ट ब्रेक कटूँ था, ब्रेकअप अच्छी कंटिन्यू करूँ था। दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा वनस्पति की, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए डी का भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है। इतने रेसिपी जिकर तैयार। ओवन चेक कयूं था, पहले ओवन में छाकर था, माता ने बताया मुझे ओवन जो है फास्ट है, ठीक है। असाजी पिज्ज़ा बिल्कुल तैयार थी भैया, इनके कडूँ था बाहर, इसको निकालते हैं बाहर। चीज़ का कलर आ गया है, देखें राइस हो गई ये चीज़, अब ये सेट होगी थोड़ी देर में, खुद ही सेट होकर अपनी जगह पे आ जाएगी, ठीक है। ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, ओवन में जो हमारा पिज़्ज़ा बना था वो हमारा हो गया डन। अच्छा, ओवन जब बंद करना आया हो, ये हमेशा ख्याल करना कि ओवन को बंद करने के बाद इसका जो ये कवर है ये आप लोग खुला रखा करें। ओवन को जब बंद करते हैं तो इसका कवर, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं कवर खोल दिया करें, आधा घंटा छोड़ा करें, ताकि इसकी जो हीट होती है वो भी निकल जाए, अंदर स्मेल कोई मसाले की ना बैठ जाए। चरगा बना रहे, कुछ भी बना रहे, इसको खुला रखा करें, इतना छोड़ दिया करें आधे घंटे के लिए, जब आप चूल्हा बंद कर दें। पिज़्ज़ा हमारा हो गया तैयार जो ओवन में बनाया था, ये वाला भी तैयार हो गया। कलर वो नहीं आएगा जो मैंने आपको बताया था, लेकिन साइड से बड़ा ज़बरदस्त क्रस्ट बन गया है। ये फ़र्क होता है सिर्फ कलर का। और ये पिज़्ज़ा को थोड़ा ठंडा करेंगे, ये देखें ये भी बन गया है और ये भी बन गया, दो पिज़्ज़ा आपके सामने बनाए हैं। ठही हुआ पिज़्ज़ा एक फ्राइंग पैन में या पतीले में जो ठाँदो वो अड़ो रिजल्ट इंदो, ओवन में हे रिजल्ट इंदो, लेकिन खाने में बड़ी ज़बरदस्त आइन, ठीक है। इनमें थोड़ा वाइटनेस है, इनमें थोड़ी ब्राउनिश है, छोकि हुन में मथा ग्रिल लगल होंगी है, ओवन में पतीले में मथा ग्रिल ना होंगी है, तो हेठा साइडन में हीट होंगी है, तो इनको फ़र्क होंद है, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क होता है, खाएंगे सेम फ्लेवर आएगा, सेम टेस्ट होगा, वही मज़े का लगेगा, लेकिन क्या फ़र्क आएगा कलर में थोड़ा, क्योंकि इसमें भी ब्राउन कलर आना शुरू हो गया, आपने खुद देखेंगे इसमें ब्राउन स्पॉट्स पड़ गए हैं, ब्राउन कलर आ रहा है। ये थोड़ी मेल्ट हो जाती है चीज़, अब ये सेट होना शुरू हो रही है, ये थोड़ी ठंडी होगी खुद ब खुद अपनी जगह पर सेट होना शुरू हो जाएगी। ये वाला पिज़्ज़ा जो है ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कलर में, इसमें भी कलर परफेक्ट है, सिर्फ थोड़ा जो रुखसाना जैती ने कहा था कलर में फ़र्क आता है, तो वो ज़रूर आएगा कलर में फ़र्क, क्योंकि इसके ऊपर हम हीट नहीं, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो आप बहुत एहतियात से कोई ऐसी चीज़ इस पर टच करके, स्पाइडर बड़ा सा हो इसके ऊपर पूरा इसके साइज़ का, इसको टच करके हल्का सा उल्टा करके आप इस पर कलर दे सकते हैं अगर देना चाहें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनके कलर देने की ज़रूरत ना है, बिल्कुल बेस्ट है। अगर तक लगे तो पुटो अं बारन जिला जे तरीके से मैं ये पिज़्ज़ा ठाया इन तरीके से नंढा नंढा पिज़्ज़ा ठाए फ्रेज़र में रखी सको था, ठीक है। इस तरह के आप पिज़्ज़ा बना के फ्रेज़र में रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, छोटे छोटे जैसे बिल्कुल छोटे साइज़ के, जैसे बन कबाब होता है उस साइज़ के भी पिज़्ज़ा बना के आप इस तरह फ्रीज़र में रख सकते हैं। स्कूल जाने से पहले आप उसको 15-20 मिनट पहले निकाल के ओवन में करें, लेकिन वो फ्राइंग पैन में नहीं बने, वो ओवन के लिए बता रहा हूँ। दूसरा ये कि बर्गर बन मिलते हैं कटे हुए, कंपनियों के मिलते हैं जिसके अंदर हम बर्गर बनाते हैं, बर्गर बन का एक पीस लेके उसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, ठीक है। अगर रोटी नहीं बना सकते डो, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, सुबह ये कर सकते हैं बच्चों के लिए, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं, पिज़्ज़ा सॉस नहीं तो चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप लगा दें, थोड़ी सी चिकन भुनी हुई रख दें उसके ऊपर, वेजिटेबल रख दें, चीज़ को हल्का सा कश करके ऊपर रखें, फ्राइंग पैन में या ओवन में रखें, इसी तरह 10 मिनट में जब तक आप नाश्ता बनाएंगे बच्चे का, आप ये इस तरह के पिज़्ज़ा छोटे छोटे बना के दें, और ये आप बेस्ट पिज़्ज़ा बच्चों को बर्गर बन में आप बना के दे सकती हैं। बहुत छोटे से पिज़्ज़ा और लंच बॉक्स में डाल के दें, बच्चे शौक से खाते हैं। इवन कि आप बेकरियों से जाके जो पिज़्ज़ा लेते हैं वो आपने देखा नहीं है कि वो किस तरह बना रहे होते हैं, मुझे अंदाज़ा है, वो ना लिया करें छोटे छोटे पिज़्ज़ा। हाँ, अच्छी ब्रांड के ले रहे हैं तो वो लें, ये जो 20-30 रुपये में पिज़्ज़ा मिलते हैं वो ना लें, वो चीज़ भी नकली होती है, ओरिजिनल नहीं होती। तो बेस्ट है आप घर में, इसलिए आप लोग के लिए कुकिंग शो है सन टीवी की तरफ से, ताकि आप लोग हर चीज़ अच्छी खुद अपनी साफ़ सुथरी बनाएं। शो करने का मकसद ये होता है कि आप लोग के लिए एक क्लास है, ताजे लिए एक क्लास है, तुम सुठे तरीके से पंजे ठाई सको था जी। हाँ, मैं इनके कढ़ा तो ठीक है, सेट थी इनके कढ़ंदासी इतने साइड में एन जी कटिंग करे असा रखंदासी। देखें फ्राइंग पैन बिल्कुल क्लियर है, इसको फिर वॉश कर दें, आराम से रख दें। इसको कटिंग करते हैं और प्लेटर में रखते हैं। आपके सामने मैंने दो पिज़्ज़ा बनाए, ठीक है।
दोनों पिज़्ज़ा आपको समझ आ गए होंगे, बिल्कुल ईजी। छुरी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है, छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए, कटिंग आपकी अच्छी सी हो इसकी। और एक और चीज़ के ये क्रिस्पी बनता है जो हम बनाते हैं फ्राइंग पैन में और जो हम उसमें बनाते हैं, ठीक है। बल्कि कटिंग क्यों करें, इसको ऐसे प्लेटर में रखते हैं, अच्छा लगेगा। आप स्लाइस बाद में खुद ही कटिंग करके देखिएगा। मैं इसको रख रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है। ये हमारा हो गया पिज़्ज़ा प्लेट में तैयार, रख दिया, ठीक है। पिज़्ज़ा असा तैयार थी बेहतरीन थो फ्राइंग पैन ही पतीले वो एक फ्राइंग पिज़्ज़ा असो है ओवन जो, ठीक है। एक पिज़्ज़ा हमारा हो गया ओवन का। ग्लव उठाता हूँ क्योंकि गर्म होता है प्लेटर, तो बहुत एहतियात से, हाथ पे चिपक भी जाता है स्किन में, ठीक है, बहुत एहतियात से उठाएं। दो पिज़्ज़ा हमारे हो गए तैयार, एक में मैंने टोमेटो नहीं डाला था, एक में टोमेटो डाला था, ठीक है। इस तरह आप पिज़्ज़ा ख़ुद बनाएं घर में और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे। सारी प्रीवियस वीडियोज़ मिल जाएंगी, रात को 8-9 बजे तक अपलोड हो जाता है, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल की रेसिपी देखिएगा, मज़ेदार बनाएंगे। सुबह 12 वगे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज है, उतने रेसिपी अपलोड थी वी, पेज के लाइक कर, उतने मैसेज कर सोता कुकिंग वीडियो दिसण ला सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से, सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो बटन दबाए, लाइक कर उन पेज के उतने रेसिपीज अपलोड थी, जी रेसिपी अपलोड थी उनके लाइक कंदा कर पाँच खोड़ सारा ख्याल रखो। सुबह मुलाकात थी नई रेसिपी से, दुआओं में अदरक जुला। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में, विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।